हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो आज का ब्लॉग मैं सुबह से ही स्टार्ट की हूँ कि मैं दिन भर कैसे काम को मैनेज करती हूँ और कैसे अपने लिए पढ़ाई का टाइम निकालती हूँ. इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा. तो सुबह का टाइम हो चुका है और अभी केवल झाड़ू लगाई हूँ मैं और खाना बना रही हूँ. ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कहना मुश्किल है, बहुत ठंड है. और ख़ुद को भी थोड़ा संभाल के रखिए. और मैं तो कोशिश करती हूँ ठंड से बचने की, बट हो नहीं पाता है. क्योंकि खुद को हेल्दी रखिएगा तभी आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा और उसके बाद आपका जो टारगेट है वो भी पूरा हो सकता है. तो यहाँ पर मैं चावल बना रही और सब्ज़ी भी मैं डाल दूंगी और जाऊंगी कपड़े को पसारने. कल जो मैं धोई थी कपड़ा उसको फिर अगेन मैं सुखा रही हूँ, क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कपड़ा एक दिन में सूख जाए ठंड के कारण. और धूप उतना टाइमली आता है तो कपड़ा सूख भी नहीं पाता है. तो अब मैं आटा भी तैयार कर रही हूँ रोटी बनाने के लिए. तो मैं चावल, सब्जी, रोटी और दाल बनाऊँगी और साथ साथ में किचन को भी साफ़ करती जाती हूँ ताकि एक और काम ना बंद कर रहे. तो एक ही काम घर सभी के घर में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा सबका तरीका अलग अलग होता है काम करने का. तो इससे आपको थोड़ा सा सीखने को मिल सकता है, क्योंकि लोग एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं. और इससे लगता है कि हाँ, जब वो कर सकती है तो मैं भी अपने आप को मैनेज कर सकती हूँ, अपने काम को, अपने टाइम को मैनेज कर सकती हूँ. तो बस इधर किचन के को भी साइड से साफ़ करती जाऊंगी और थोड़ा बर्तन बचा हुआ है उसको भी बाद में धोऊंगी. तो जो इम्पोर्टेंट काम है वो पहले कर लूँगी और कचरा फेंकना साथ साथ करती जाती हूँ. इधर सब्जी भी बन रहा है और रोटी भी बना रही हूँ साथ साथ, ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाता है तो फिर आप थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील होता है. मैं कोई भी काम को बाद के लिए नहीं छोड़ती हूँ, साथ ही साथ करती जाती हूँ. कि जैसे कि कुछ काम इधर करना, फिर कुछ काम जाकर उधर कर लेना, इस तरह से करती हूँ. तो आप देख सकते हैं ये भी आ गई है मेरे पास और इसका ये केवल हगीज़ पहनी है. अब इसको भी थोड़ा फुल कपड़ा पहनाऊंगी, क्योंकि स्वेटर खोल के ही सुलाती हूँ और पैजामा पहनाती हूँ. बट सुबह में मैं उसको चेंज कर दी थी क्योंकि पूरा गीला हो चुका था, डायपर भी लीक कर जाता है कभी कभी. तो उसको भी चेंज कर दी थी, अब उसको स्वेटर पहनाऊंगी. पहले इधर को जो खाना है वो पहले प्रिपेयर कर लेती हूँ, उसको मैं यहीं पर बैठाई हूँ किचन में और उससे बात भी कर रही हूँ. उसको इधर उधर का बात करके उसको बहला रही हूँ ताकि वो इरिटेट ना करे और वो रोए ना. रोटी बना रही थी तो थोड़ा सा हाथ में दे दी हूँ ताकि वो अपना बिजी रहेगी खाने में. खाती नहीं है उतना, लेकिन फिर भी बिजी रहेगी. अब उधर मेरा रोटी बन चुका था और मैं दाल आ गई थी गैस पे चढ़ा के. तो इधर रूम को भी क्लीन करना था तो इसको मैं पहले सबसे पहले पूरा कपड़ा पहनाऊंगी, स्वेटर, पैजामा, सॉक्स वगैरह पहना के इसको कंप्लीट कर लूँगी ताकि ठंड से ये बची रहे. तो ये जैसे कवर हो जाएगी तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील होगा कि चलो इसको ठंड नहीं लग रही है. और फिर मैं रूम को भी क्लीन कर लूँगी. इस तरह से करके मैं काम कर लेती हूँ साथ के साथ. क्योंकि अगर आप सोचिएगा कि नहीं, इस रूम को बाद में साफ़ करेंगे या किचन को बाद में साफ करेंगे, तो फिर वो एक काम का बर्डन बन जाता है और थोड़ा सा भागम भाग हो जाता है सुबह सुबह काम करने में. इतना इजी भी नहीं होता है, भागम भाग हो जाता है. आप समझ सकते हैं कि आपका पैर चलते ही रहता है कि इस काम को निपटाओ, उस काम को निपटाओ. आदमी ज़्यादा हो या कम हो, काम उतना ही रहता है. बस ये हो जाता है, मायने रखता है कि आपको ये होता है कि आपको ये काम करना है. ठीक है, वहाँ ज़्यादा फैमिली रहने से वहाँ फ़ायदा है, जब जहाँ सारे लोग मिलके काम करते हैं. अदरवाइज़ सिचुएशन सेम ही होता है, आप समझ सकते हैं. तो मैं रूम को भी क्लीन कर लूँगी और उसके बाद रहेगा तो केवल नहाना रह जाएगा, पूजा करना. तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका है. दीदी के काम होते हैं सबके घर में ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, वो काम कंप्लीट हो चुका है मेरा. अब रह गया है मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी, देन उसके बाद खाना पीना, उसके बाद फिर आपको शेयर करूंगी आपके साथ उसके आगे का रूटीन. मैं दिखाती हूँ कि रात में मैं क्या पढ़ी थी और उसको मैं आप लोगों तक शेयर करूंगी. थोड़ा सा जो लेवल है KVS का थोड़ा सा बढ़ गया है लेवल, तो थोड़ा सा पेडागोजी पर ज़्यादा फोकस कीजिए जैसा मुझे पढ़ने के बाद पता चल रहा है. और अभी तक उनका 6 दिन का क्लास निकला है, तो 2 क्लास तक तो मैं कल नोट डाउन कर ली थी, जब टाइम मिला तो कर ली मैं कल नोट डाउन. और जो बाकी के जो क्लासेस थे उसको मैं डाउनलोड कर चुकी हूँ, अब मैं उसको नोट डाउन करूँगी. तो मैं दिखाती हूँ कि कल मैं क्या पढ़ी थी ताकि आपको भी एक आइडिया मिलेगा, आप भी लिख सकते हैं. देखिए
यहाँ से इतना कवर करने, समझने के साथ साथ कवर करना भी जरूरी होता है किसी भी चीज को। तो खैर इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी कि इसमें क्या पढ़ाया गया, क्या है नहीं है और आपको कैसे पढ़ सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ नहाने के बाद, पूजा करने के बाद। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, डेली नहाना थोड़ा सा लगता है डिफ़िकल्ट, बट पूजा करने के बाद मन बहुत शांत लगता है और अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। देखिए मेहनत भी कीजिए और थोड़ा सा कर्म भी कीजिए, मेहनत भी कीजिए और भगवान पे आस्था भी रखिए, तो कोई भी मंजिल आपके लिए इतना भी नामुमकिन नहीं होगा जो नहीं मिले। मेहनत कीजिए और कुछ भगवान पे भी छोड़ दीजिए। तो पूजा हो जाने के बाद, खाना खा लेने के बाद मैं लंच और ब्रेकफास्ट एक ही साथ कर लेती हूँ, क्योंकि वो टाइम हो ही जाता है। तो मैं साथ के साथ कर लेती हूँ, रोटी चावल दोनों एक साथ ही खा लेती हूँ या रोटी खा लेती हूँ, जो मन करता है। और उसके बाद मैं धूप थोड़ा सा ले लूँगी, उसके बाद अगेन मैं अपनी पढ़ाई करने बैठ जाऊँगी। तो जो रात में मैं पढ़ी थी, जो नोट डाउन में की थी, उसी को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लूँगी। और जो मैं आपको बता चुकी थी कि उनका क्लास को मैं डाउनलोड कर चुकी हूँ, तो उसको मैं आज लिखने वाली हूँ। तो ब्लॉग को मैं यहीं तक एंड करूँगी, क्योंकि इसी मोबाइल से मुझे लिखना भी है जो मैं डाउनलोड की हूँ, उसको कवर करना है। एटलीस्ट 2 क्लास तो कवर करूँगी ही, और देन हिंदी पढ़ूँगी, इंग्लिश पढ़ूँगी, साथ में उसको भी कवर करूँगी। जो और भी सब्जेक्ट जो सिलेबस है उसको भी कवर करना जरूरी है। हर दिन आप कोशिश कीजिए कि सारे कवर का टॉपिक, सारे सिलेबस का टॉपिक को कवर कीजिए थोड़ा बहुत। इस तरह से सिलेबस एक टाइम तक पूरा हो जाएगा। और मैं देखूंगी, अगर 2 क्लास लिख पाऊंगी तो 2 क्लास लिख लूंगी, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो मैं एक दिन में लिख सकती हूं 6 क्लास को, बट वो मेरे हाथ में नहीं है, बेबी के हाथ में भी है, तो वो लिखने देगी तभी लिख पाऊंगी। तो फिर भी मेरा 2 क्लास का टारगेट है, वो तो कल ही बता सकूंगी ब्लॉग में कि मैं कितना कवर कर पाई हूं। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, आपको क्या सीखने को मिला और आप अपने लाइफ में क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं। और एक बात और कि जैसे कि मैं अध्ययन मंत्र से पढ़ना स्टार्ट की हूँ, तो यहाँ पे आपके लिए ये नहीं कि आपको वहीं से पढ़ना है या मेरे लिए कोई प्रमोशनल वीडियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज ए स्टूडेंट, एज अ पब्लिक, मैं उनको ऑडियंस, मैं एक स्टूडेंट के नाते मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे पढ़ूँ। कोई भी टीचर खराब, कोई भी टीचर ये नहीं होते हैं कि वो उनका पढ़ाई अच्छा है। वो हम लोग डिपेंड करता है कि हम लोग किनका पढ़ना चाहते हैं, हम लोग को किनका समझ में आता है। तो देखिए, आपको भी वही करना है। ऐसा नहीं कि मैं अब बोल रही हूँ कि मैं अध्ययन मंत्र से पढ़ूंगी तो आप भी वही करने लगे। नहीं, आपको जिनका टीचिंग मेथड, जो जिनका आपको पढ़ाई करने में समझ में अच्छा आता है, आप उनका पढ़िए। क्योंकि यहाँ हम लोग का टारगेट है एग्ज़ाम को क्रैक करना। ये नहीं कि उस चैनल, वो चैनल अच्छा है तो वो टीचर अच्छे हैं, अभी करने का वो समय नहीं है। अभी हम लोग को अपने एग्ज़ाम पर फोकस करना है, अपना सिलेबस कवर करना है, वो जहाँ से कर लें हम लोग। तो अपने टारगेट पे ध्यान दीजिए कि आपको केवीएस क्रैक करना है। 2-3 मंथ का जो स्ट्रगल है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके अनुसार से लाइफ और डिसीजन होगा। और अगर आप इस एग्जाम, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बस यही सोचिए कि बस इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और आपका लाइफ अब इसी में है और आपकी पढ़ाई बस यहीं तक है। यही अगर आप सोच के चलिएगा कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मैं आप नहीं पढ़ने वाले हैं, अब जितना भी आपका जान है, जितना भी आप में क्षमता है, जो भी आप में टैलेंट है, आप इसी में देने वाले हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है। मैं केवल केवीएस के बारे में नहीं बोल रही हूँ, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या कोई भी काम को आप कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छा है, आप उसमें अपना पूरा जान लगा दीजिए। और बस यही सोचिए कि इसके अलावा आप कोई, आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, जब आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है तो जिस रास्ते को आप चुनते हैं उसको आप अच्छे से करते हैं, अच्छे से फुलफिल करते हैं, है ना। तो इस चीज़ को हमेशा साथ में रखिए। ये मत सोचिए कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ रहे हैं, नहीं। आपको ये सोचना है कि अब आपका वो उम्र नहीं रह गया कि आप अपना टाइम वेस्ट करते रहिएगा। आपके पास अब वो उम्र आ गया है कि आपको कोई भी जो फैसला है वो तुरंत लेना है कि हाँ, आपको ऐसे पढ़ाई करना है। Oh, 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 oh